न्यूजीलैंड की इस जीत ने पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे बंद कर दिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल लगता है। टिम साउदी की जगह काइल जेमिसन को खिलाना चाहिए था। जी नहीं, मुझे लगता है कि टिम साउदी के पास वो एक्सपीरियंस है, तो शायद एक इनएक्सपीरियंस गाय को खिलाना सऊदी की जगह शायद गलत हो जाता। कुसल परेरा की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो एक ही गियर में बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ, वो हमेशा इसी अंदाज में खेलते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करना कि कुछ और अलग तरह से खेलेंगे थोड़ा सा मुश्किल है। श्रीलंका के लिए इस बड़ी हार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का क्वालिफिकेशन भी खतरे में है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि उनका क्वालिफाई होना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़ा मुश्किल है। रचिन रविंद्र इस विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतेंगे। दावेदार है, लेकिन लगता है कि शायद विराट कोहली बाजी ले जाएंगे। 24वें ओवर में 8 विकेट गिरने के बाद 47वें ओवर तक खेलना श्रीलंका के लिए उपलब्धि से कम नहीं। जी हाँ, उन्होंने एटलीस्ट उनके जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है उन्होंने कोशिश की कि थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल दें टीम को।